भारत का सबसे महंगा होटल जिसका एक दिन का किराया जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, आज हम आपको ऐसे ही होटल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। नई जगहों पर घूमना लगभग सभी लोगों को पसंद होता है, लेकिन घूमने के साथ एक चीज भी जरूरी है जो कि है ठहरने की जगह। जब लोग कहीं घूमने जाते हैं तो उन्हें रात गुजारने की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर लोग होटल्स में ही ठहरना पसंद करते हैं, क्योंकि होटल में वो सभी सुविधाएं मिल जाती हैं जिनकी जरूरत एक घूमने फिरने वाले व्यक्ति को होती है। तो चलिए जान लेते हैं भारत के खूबसूरत और आलीशान होटल्स के बारे में। नंबर वन, रामबाग पैलेस। रामबाग पैलेस एक बहुत खूबसूरत किला हुआ करता था, लेकिन इसे एक होटल बना दिया गया जो कि और भी ज्यादा खूबसूरत बन गया। ये होटल राजाओं के जीवन का एहसास कराता है, जिसमें सभी चीजें देखने लायक ही बनती है। इस होटल के किराए की बात की जाए तो इस होटल में एक दिन गुजारने के लिए 6 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ सस्ते कमरे भी मिल जाते हैं, लेकिन सभी की कीमतें लाखों में होती है, इसलिए ये होटल आम आदमियों के लिए नहीं है। यहाँ सिर्फ वही लोग रुक सकते हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी ना हो। ये जयपुर महाराजा का पूर्व आधिकारिक निवास है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन शाही महलों में से एक है। नंबर टू, ताज लेक पैलेस उदयपुर। ये एक सुंदर विरासत होटल है जो कि झील के बीच में बसा हुआ है। अपने हनी हॉलीडे ट्रिप ये किसी भी अवसर को बिताने के लिए ये वास्तव में एक शानदार जगह है। होटल का प्रबंधन भारत के प्रतिष्ठित होटल ताज होटल्स ग्रुप के द्वारा किया जाता है। नंबर थ्री, ओबेरॉय उदय विलास उदयपुर। ओबेरॉय उदय विलास की लागत के साथ भारत में सबसे महंगे होटल्स में से एक प्रदान करता है। प्रति एक रात के लिए इसका भुगतान करना होता है 3,50,000 रुपए। स्वीट को कोहिनूर स्वीट के रूप में जाना जाता है, जिसे कोहिनूर हीरे के नाम पर रखा गया था। ये एक अद्भुत विरासत होटल है और भारत में अपने हनीमून बिताने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नंबर फोर, ओबेरॉय गुड़गांव। ओबेरॉय गुड़गांव भारत के सबसे महंगे होटल्स में से एक है। उच्चतम स्वीट रुपए में पेश किया जाता है और प्रति रात के लिए इसको चुकाना पड़ता है 3 लाख रुपए। होटल अपनी उच्चतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अमीर और अमीर लोगों को होस्ट करता है। ओबेरॉय गुड़गांव में सर्वश्रेष्ठ आतिथ्य खरीदने के लिए फिर ओबेरॉय होटल समूह की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वैकल्पिक रूप से आप होटल आरक्षण पोर्टल पर जा सकते हैं। नंबर फाइव, द ओबेरॉय मुंबई। मुंबई के ओबेरॉय होटल की लागत इसे भारत के सबसे महंगे होटल्स में से एक बनाता है। रेसिडेंशियल स्वीट के लिए प्रति रात आपको 3 लाख रुपए चुकाना पड़ता है। होटल शहर का एक उत्कृष्ट और मन उड़ाने वाला दृश्य प्रदान करता है, सचमुच सभी मेहमानों के लिए एक शानदार अनुभव। नंबर फाइव, द ओबेरॉय राज विलास जयपुर। ओबेरॉय राज विलास भारत के सबसे महंगे होटल्स में से एक है। इसके कोहिनूर विला के लिए 2,30,000 रुपए पे करने पड़ते हैं और कोहिनूर विला में अति निजी पूल सुविधा और कई शानदार सुविधाओं का आनंद ले पाते हैं। नंबर सेवन, द लीला पैलेस कैंपस की उदयपुर। लीला पैलेस कैंपस की उदयपुर को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। ये होटल आपको कमरे का सबसे अच्छा दृश्य पेश करता है। इसमें आपको होटल एक महाराजा स्वीट प्रदान करता है और इसमें प्रति रात के लिए 2 लाख रुपए पे करने पड़ते हैं। ये भारत के सबसे महंगे होटल स्वीट्स में से एक माना जाता है। नंबर एट, ताज फलकनुमा पैलेस हैदराबाद। ताज फलकनुमा पैलेस हैदराबाद भारत के सबसे शाही महलों में से एक है। ये हैदराबाद के शाही परिवार का आधिकारिक निवास था। होटल को भारत के सबसे महंगे होटल से माना जाता है। इसके ग्रैंड रॉयल स्वीट के लिए प्रति रात 1,95,000 रुपए पे करना पड़ता है। हालांकि होटल आजीवन यादें प्रदान करता है। नंबर नाइन, ताजमहल पैलेस और टावर मुंबई। ताजमहल पैलेस और टावर मुंबई को भारत का सबसे शानदार होटल माना जाता है। ये शानदार संपत्ति अपोलो बंदर के सामने स्थित है। होटल में ग्रैंड लग्जरी स्वीट रुपए में उपलब्ध है और प्रति रात के लिए आपको पे करना होता है 1,70,000 रुपए। ये भारत के सबसे पुराने शानदार होटल्स में से एक है। भारत के खूबसूरत शानदार होटल्स के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी और भी कई खबरें जानकारी आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहें। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।